आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर में पोषण माह की गतिविधियों के तहत रक्त की हीमोग्लोबिन की जांच के लिए 12 से 14 सितंबर तक चलाए जा रहे अभियान के पहले दिन आज आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 वर्ष तक के बच्चों तक तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के रक्त की जांच की गई है। सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास मनीष सेठ के मुताबिक अभियान के पहले दिन आज 11,501 बच्चे तथा 5,185 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का रक्त परीक्षण किया गया है। इसमें 768 बच्चों का 619 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के रक्त की हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई गई है। इस दौरान बच्चों के माता पिता तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक खान पान का परामर्श दिया गया एवं आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट और सिरप प्रदान करने की सेवन की सलाह दी गई है। कल बुधवार 13 सितंबर को इस अभियान के तहत स्कूलों एवं छात्रावास में कक्षा 9 से 12 वर्ष तक के छोटी बालिकाओं के रक्त में हीमोग्लोबिन की जाँच की जाएगी। चाहूँगा अभी हमारा मिशन इंद्रधनुष के तहत सभी 11 से 16 तक वैक्सीनेशन बच्चों का कार्यक्रम है जिसमें छूटे हुए बच्चों गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना है। इसी प्रकार हमारा पोषण आहार माह भी चल रहा है जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और जिला पंचायत महोदय के निर्देशन में हम हर आंगनबाड़ी सेंटर में गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर रहे हैं, जो मतलब हीमोग्लोबिन की कमी आने पर, खून की कमी होने पर उनको आयरन और अगर बहुत अति शीघ्र है तो अति उसमें गंभीर में है तो हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाएंगे। ये हमारे सेंटर में लगातार अभी 3 दिन चलेगा आंगनवाड़ी सेंटर में ये कैंप लगाए जा रहे हैं और स्कूलों में जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं वहाँ पर भी जाके हम हेल्थ डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास दोनों के कार्यकर्ता मिलकर ये कार्यक्रम संपादित करेंगे। मिशन इंद्रधनुष के तहत देखा जाए तो हमने 209 सेंटर भी बनाए हैं आज की डेट में जिसमें छूटे हुए बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। इसी प्रकार जो हमारे पोषण आहार माह के इसमें हर आंगनवाड़ी सेंटर में हम चिन्हित करके वहाँ पर जो बालिका किशोरी बालिका आएंगी और गर्भवती महिलाएँ उनका मतलब हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे फिर उनको आयरन टैबलेट मुहैया कराएंगे। डॉक्टर एस एस दाहिया, अर्बन नोडल ऑफिसर। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।